यही कहना चाहूंगा कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूं जो इतना बड़ा अवार्ड मुझे दिया जा रहा है, एंड बस हाथ जोड़ के धन्यवाद कहता हूं। थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पे भी फाउंडेशन का, और ये जेन्युइन फाउंडेशन है तो इसके लिए आई थिंक इट्स मोर ऑनरेबल एंड आई अप्रिशिएट कि आप लोगों को मेरा काम पसंद आया। इतने सालों बाद मैं दोबारा स्क्रीन पे आया आप लोगों के सामने, एंड आई फील ऑनर्ड एंड आई एम थैंकफुल टू द फाउंडेशन फॉर पिकिंग ऑन मी एज द एक्टर, एंड इट्स वंडरफुल। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ लॉन्ग जर्नी और मैं चाहूँगा कि हर साल आता रहूँ आपके पास। सर आप इतने इवेंट्स में कम आते हैं लेकिन अभी आप दिख भी रहे हैं, जुलाई अगस्त में एक मेरी फिल्म आ रही है इतर, जिसके काफी अच्छे डायरेक्टर हैं बीना बख्शी, वो भी नेशनल अवार्ड विनर है और एक अलग टाइप की फिल्म है, एक अलग टाइप का सिनेमा है, तो मैं चाहूंगा आप लोग वो भी देखें। तो दिखता रहूंगा, अब मैं आता रहूंगा। क्रिएटिविटी तो आप ही लोग देते हो, हम तो हमारी जिंदगी, आप लोगों की जिंदगी की हम लोगों को एग्जाम्पल्स मिलते हैं, कहीं ना कहीं से कोई हादसा सुनाई देता है, कोई चीज़ें उनको समझ में आती है और जो एक्साइट करती है, और उसके ऊपर फिर हम लोग कहानी बनाते हैं। सिनेमा बेसिकली तो वही है, वो जो हकीकत में हम लोग कोई अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ तो बनाते नहीं है, जो भी कहानियाँ हम लोग एनकाउंटर करते हैं, जो भी कहीं ना कहीं सुनते हैं, कहीं देखते हैं, उससे इंस्पायर होके हम लोग बेसिकली फिल्में बनाते हैं। सो आई एम हैप्पी कि आज तो इनफैक्ट दौर और भी बेटर हो गया है, आज तो रियल लाइफ कहानियाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं, पहले की तरह ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसी सिनेमा बनाया करते थे जहाँ पे पेड़ के इर्द गिर्द हम लोग गाना वाना गाते रहते थे, एक कॉमेडियन होता था, एक विलन होता था, अब वो दौर नहीं रहा। तो आई थिंक सिनेमा बहुत बेटर हो गया है और मज़ेदार हो गया है, तो इसके लिए किरदारों के लिए भी बहुत अच्छा काम है, और ऐसा भी सिचुएशन नहीं है कि सर्टेन टाइप ऑफ फिल्म ही चलती है। आजकल हर का कंटेंट वाली फिल्म जो होती है वो लोग पसंद करते हैं, एंड आई एम थैंकफुल फॉर दैट। हम लोग ज़्यादातर ऑडियंस के ही रिस्पॉन्सेस पे काम करते हैं, जैसी जो जो चीज़ें आप लोग पसंद करते हैं, हमें रियलाइज़ होता है कि ये सिनेमा आज चल रहा है, ये सिनेमा आप लोगों को आज देखने को मज़ा आता है, तो उसी चीज़ को हम लोग भी एक्सेप्ट करते हैं और उसी हिसाब से हम लोग। और ऑब्वियसली क्योंकि OTT के आने से और सारे इतने सारे चैनल्स आने से ये दुनिया जो है बहुत छोटी हो गई है, आप लोगों को भी एक्सपोजर मिल गया है कि कोरियन फिल्म हो, चाइनीज़ हो, जापनीज हो, हॉलीवुड की फिल्में हो, फ्रेंच फिल्में हो, आज ये आप सब कुछ आप घर में बैठे बैठे फ़ोन पे देख लेते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को भी पता है कि आज सिनेमा क्या है, कहाँ जा रहा है, तो जो भी मीडियोकर वाली चीज़ें हैं वो नज़र में नहीं आएंगी और वो इवेंचुअली फेल हो जाएगी। तो आई थिंक द ऑडियंस चॉइस इज इवेंचुअली द लास्ट एंड द बेस्ट चॉइस। सर वन मोर क्वेश्चन, राइटर्स होते हैं उनको उनका मेन जो रिकॉग्निशन होता है वो नहीं मिल पाता, कि ग्रेड्स होता है तो उनको मिल जाता है भाई, एस्पेक्ट्स में भी उनको रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता, तो इसका आपका क्या टेक है? मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ, मैं हमेशा ही इस बात से
मतलब सहमत रहता हूँ कि टेक्नीशियंस हैं, जो राइटर्स हैं, जो मेन क्रिएटर्स होते हैं वो तो राइटर होते हैं। अगर राइटर अच्छी कहानी नहीं देगा तो आप कितना अच्छी फिल्म बना सकते। सो एक फिल्म अच्छी बनाने के लिए राइटर का बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। सो दैट इज़ आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आज नहीं तो कल डेफिनेटली मिलेगा उनको भी अपना हक मिलेगा। थैंक यू सो मच। मैम आज आपके लाल साहब फालके अवार्ड से नवाजे जा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ और ये बहुत ही प्रेस्टीजियस अवार्ड है। थैंक यू सो वेरी मच, खास करके उन लोगों को के जिन लोगों के साथ मैंने इतने सालों काम किया, जिन्होंने मुझे काम सिखाया, और खासकर ऑडियंस जो इतने सालों से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और बस यूं ही हमें प्यार करती रहे और उनका प्यार हमारी तरफ बढ़ता रहे। जा रहा हूँ तो कल छोड़ के फिर परसों। अशोक शेखर जी ने रिक्वेस्ट किया और आपके उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूएसए निकल रहे थे लेकिन अशोक शेखर सर ने फोन किया तो सर ने दो दिन पोस्टपोन किया ये फंक्शन अटेंड करने के लिए। थैंक यू सर। और उम्मीद है सबको पसंद आएगी। और नक्सल एरिया में होने के बाद भी किस तरीके से स्ट्रगल करके ये एक डेवलपमेंट आया है, सो आई होप एवरीबडी विल लाइक इट। थैंक यू। वो इनाउस है, इनाउस है, इनाउस है। आपका नहीं लिया? अच्छा कम श्री आपको आज लाल साहब फाल्के मिल रहा है अवार्ड और पीएम की भी वेब सीरीज आने वाली, तो क्या कहना चाहेंगे? आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू दादा साहब फाल्के अवार्ड। जब एक आर्टिस्ट को अपने काम के लिए सराहा जाता है आई थिंक उससे बड़ा ऑनर उसके लिए कुछ नहीं होता। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल, वेरी थैंकफुल। थैंक यू। Hi, this is Mukesh Modi from New York, and it's a very honor and privilege that I'm getting a International Film Producer Award at the Dada Saheb Phalke Film Foundation. So I want to thank you to jury and thank you to all the media. Thank you very much. के अवसर पर मेरे को याद किया गया, मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ आपको कि ऐसे शुभ अवसर पे मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आगे भी आने वाले समय में इस तरह के कार्यक्रम जो है उतने महामहिम की याद में ये किया जा रहा है, ये मतलब बहुत ही कामयाब हो, सफलपूर्वक हो, और यही मैं अनुभव कर रहा हूँ। विश्व सर इतने सारे कमाल के रोल हो रहे हैं आजकल आपके तो छाए में आप, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? अभी ओटीटी आने से बहुत वैरायटी हो गई काम करने के लिए। हाँ, ओटीटी आने से वैरायटी काम करने की हो गई है, और पर साथ के साथ क्या है कि कम से कम
बनाने वाले जो है वो दिशा ना भटके, है ना। कभी कभी क्या होता है कि OTT आप सोचते हैं कि घर में आप इत्मीनान के साथ बैठे हुए हैं और किसी कार्यक्रम के बारे में अगर आपको थोड़ा सा भी ठीक से ज्ञान प्राप्त नहीं है तो बच्चों के साथ देखनी बातें हो आप। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि मतलब कुछ इस तरह के कार्यक्रम ही बनाएं जो कि हम सब लोग पूरे परिवार के साथ देखें। और बस यही उम्मीद है कि मतलब OTT आने से बहुत सारी चीज़ें बड़ी हैं, बहुत सारे काम बड़े हैं, लेकिन वो उन्हीं के लिए बने हैं जिनके पास काम है। जिनके पास काम है बहुत सारा काम है, और जिनके पास नहीं है उनके पास कतई नहीं है। तो OTT उन्हीं लोगों को ज़्यादा फायदा है जो कि मतलब काम करने लगा था। धन्यवाद समीर बाजी। बाजी प्रीत सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया को ये कहना चाहूँगा कि आज मुंबई में इतने सारे अवार्ड हो गए, पता नहीं चलता कौन सा अवार्ड, हर हफ्ते कोई ना कोई अवार्ड हो रहा है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आज जो रियल अवार्ड हो रहा है उसमें मुझे बुलाया गया है, तो ये मेरा सौभाग्य है। और दादा साहब फिल्म फाउंडेशन अवार्ड है तो ये रियल अवार्ड है, तो रियल अवार्ड जब मिलता है किसी को तो सोचो उसकी भावना क्या होती है, उसके अंदर कितनी खुशियाँ होती है। क्योंकि थोड़े दिन पहले हम जब इतने सारे अवार्ड में जाते थे तो एक टाइम ऐसा आया कि लगता था कि अब कहाँ जाए या ना जाए यार, लेकिन अब लग रहा है कि सही जगह आ गए, सही काम कर रहे हैं। और ये ज़्यादा खुशी इस बात की कि ये VIP को जो अवार्ड मिल रहा है उसके कुछ तो काम किया होगा इसलिए मिला। तो वही काम आज मैं आप लोगों को दिखाऊँगा थोड़ा सा, जिसके जरिए मुझे ये अवार्ड को मुझे मिल रहा है, जिससे मुझे नवाजा जा रहा है। तो थैंक यू सो मच मीडिया पूरी, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और थैंक यू सो मच मेरे दोस्त हिमांशु भाई, लव यू भाई, कि आपने मुझको याद किया। और पूरी जो दादा साहब फिल्म फाउंडेशन है उस सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे याद किया। थैंक यू सो मच, लव यू, थैंक यू। मैं तो बहुत खुश हूँ, मतलब दादा साहब जी फिल्म के लिए हमारे लिए तो इतने बड़े नाम हैं, तो दादा साहब पालके में मुझे अवार्ड के लिए बुलाया गया है तो आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। और मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक्स सचिन जी, क्या कहना चाहेंगे आज दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए? हाँ भाई, जब श्री दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात होती है तो सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि जैसे सिनेमा में पिता का नाम लिया जाता है और जो प्यार, रिस्पेक्ट और फेम वो पिता के माध्यम से मिलता है, यही होता है श्री दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड। तो जिन जिन को आज ये अवार्ड मिलने जा रहा है वो इस रिस्पेक्ट के, उस फेम के, उस प्यार के काबिल है, यही कहना चाहूँगा। 2017 में मुझे जब ये अवार्ड मिला तो मैं अपने आप को अभी भी उसके काबिल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज जिन जिन को ये अवार्ड मिल रहा है उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड जितने भी कमेटी मेंबर्स हैं, ज्यूरीज हैं, उनको भी मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।
दंगल टीम का भी स्टार पे है मेहंदी वाली घर सबसे पहले मैं ही आ गई हूँ क्या मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और पहला एक्सपीरियंस होने वाला है ये मेरा मुझे पता नहीं है क्या एग्जैक्टली होने वाला है बट मेरे मेरे शो के जितने भी कास्ट हैं दे ऑल आर प्रेजेंट हियर सो आई एम एक्साइटेड एंड नर्वस एज वेल हो सकता है मैं कुछ अवार्ड्स भी दूँ तो फर्स्ट टाइम है मेरा मेरे पास ज़्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं है बट आई एम एक्साइटेड दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड के लिए मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा कि एक ऐसा फिल्म इंडस्ट्री का यह सबसे बड़ा मंच है जिसमें आज इंडस्ट्री के सभी लीजेंड्स लोगों को एक ही क्राफ्ट और कोलाज में आज अवार्ड दिया जाएगा एंड आई विल बी होस्टिंग द शो फॉर दिस टुडेज ग्लोरियस इवनिंग। मैं पूरे देश का मीडिया का तहे दिल से अभिवादन करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। रियली वी रियली नीड द सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम द एंटायर नेशन ऑफ मीडिया एंड आई मस्ट से बाबूभाई थिब्बा जी, ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री अशफाक होपेकर जी एंड अशोक शेखर जी, दे डिड अ फैबुलस जॉब टू मेक दिस वंडरफुल इवेंट सक्सेसफुल। और मैं पूरे के पूरे अतिथियों का, फिल्म इंडस्ट्री के सभी मुख्तलिफ शख्सियतों का तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा, इस्तकबाल करना चाहूँगा और आप सभी मीडिया भाइयों को भी तहे दिल से खुश आमदीद कहते हुए दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड 2024 के लिए सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं और मुबारकबाद देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। देखिए इट्स ह्यूज ऑनर कि आई एम गेटिंग दिस प्रेस्टीजियस अवार्ड दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू अ ग्रेट मैन अ लेजेंडरी फ्रेंड दैट इज बाबू भाई थीबा एंड अशोक शेखर जी एंड द ज्यूरी, जिस ज्यूरी ने सोचा मेरे बारे में, मेरी अचीवमेंट्स के बारे में सोचा एज एन एक्टर एज ए सिंगर। आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। कोई और सवाल है अच्छा सा तो बोल दो। गॉड ब्लेस। बस इतने कहना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे टैलेंट को पहचाना, उसके लिए मैं फिल्म फाउंडेशन की ओर से बस उनका धन्यवाद ही करना चाहूंगा कि मेरे को भी 90 से लोग सचिन तेंदुलकर कहते थे और आज 2024 चल रहा है तो मतलब 34 साल हो गए सचिन जी का रोल करते हुए और बहुत खुशी हो रही है कि मुझे आज दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलने जा रहा है और मैं अपने आप को बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूँ क्योंकि गांव का रहने वाला, पंजाब में छोटा सा गांव साहलों, मेरा नामा शहर साहलों गाँव है, यहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ और मुझे जब गांव से शहर आया मुझे हॉस्पिटल नौकरी मिली तो उस टाइम हर कोई मुझे सचिन 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 कहते थे तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता, भगवान आपने मुझे सचिन तेंदुलकर जैसा चेहरा दिया, थैंक यू सो मच। तो देख सचिन तेंदुलकर जी ने ऐसी दिलों में जगह बनाई हुई है कि आज तक मैं भी चला आ रहा हूँ, बहुत प्यार मिलता है, हर स्टेट में जाता हूँ बहुत प्यार मिलता है, लेकिन आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड मुझे भी मिलने जा रहा है। मैं अशफाक होपेकर जी और बाबू भाई थीबा जी और
अशोक जी का मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे याद किया और मुझे इस टैलेंट को समझा। थैंक यू सो मच। I didn't do it. And Gira bhi to America. My club. India. दादा साहब फाल्के हमारी मतलब फिल्म इंडस्ट्री के बीच में पितामह है जिन्होंने शुरुआत की है और उनके नाम पे अवार्ड है। ये अवार्ड मिलना और यहाँ पर रहना एक आदर एक सम्मान की बात है मेरे लिए, फिर मेरे लिए जितने बाकी के भी अवार्डीज हैं तो बहुत अच्छा फील करा। ऊपर से इसके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं अशफाक कोपीकर, बाबूभाई थीपा, अशोक शेखर जी, हमारे मित्र हिमांशु, तो इन सब की वजह से आज होना और ये मिलना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। अरुण जी को मिल लेते आपकी फिल्म के बारे में बताइए जी। ऑस्कर, मेरा नाम आकाश आदित्य लामा है और हमारी फिल्म है बंगाल 1947, उसको जो है बेस्ट लव स्टोरी का अवार्ड मिल रहा है, दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड। तो हमें बहुत खुशी है, हम आभारी है दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन का और अशफाक भाई अशफाक खोपेकर जी का, और मेरे साथ मेरी टीम भी आई है पूरी, मेरे लीड एक्टर अंकुर आई है और विक्रम, पूजा, ये आ जाओ साइड में आ जाओ, इससे आ जाओ, ये अंकुर अरबम है, ये इनकी पहली फिल्म है, ये FTI के पास आउट है और बंगाल 1947 का लीड है और हमारी फिल्म को काफ़ी सारे अवार्ड्स मिल रहे हैं ऑलरेडी और ये हमारे लिए एक और अच्छी खुशी की बात है कि एक और अवार्ड हमें मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, साथ में दादा साहेब फाल्के का नाम जुड़ा हुआ है तो वो तो हर फिल्म मेकर के लिए एक सपना होता है। विक्रम है, ये भी बेस्ट फिल्म के पैनल लीड है, पूजा है, ये भी पैनल लीड है और आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? बस ये कहना चाहूँगा कि जितनी मेहनत से हमने फिल्म बनाई है और इस तरह का प्रेस्टीजियस एक अवार्ड मिलता है, लाइक बेस्ट लव स्टोरी का अवार्ड मिल रहा है, सो आई थिंक बहुत बड़ी बात है, काफ़ी अच्छा लगता है। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे? पूजा आ जाओ, फ्री हो। हमारी फिल्म को बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है और जैसे जिस हिसाब से हमने फिल्म बनाई है सर ने उसको जिस हिसाब से डायरेक्शन दिया है तो वो बहुत बहुत बेहतर इन फिल्म है इस टाइम, और वो कॉन्सेप्ट जो उन्होंने दिया है वो कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है, लव स्टोरी। 1947 देश के बंटवारे के समय की सेट लव स्टोरी है, तो अभी जिन लोगों ने थिएटर में नहीं देख पाया है अभी बहुत जल्द शायद OTT में आ जाएगी, तो आप लोग वो भी देखिएगा और देखने के बाद आप खुद ही तय करेंगे कि ये अवार्ड हम डिजर्व करते थे या नहीं करते थे, तो मुझे लगता है आप लोग बेहतर जज होंगे, जूरी का तो हम आभारी है ही है लेकिन आप लोग भी देख के इस पे कह सकते हैं। ये मैं अभी बता नहीं सकता हूँ, मेरे साथ कुछ सभी कुछ अग्रीमेंट्स हैं लेकिन मैं जल्दी बताऊंगा और लोगों को पता चलेगा। ये एक एक्टर के लिए बहुत अच्छी बात होती है कि नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है और बहुत सारी चीजें जो आपको वैरायटी मिलेगी देखने। थैंक यू, थैंक यू। आज आपको अवार्ड से नवाजा गया तो क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच फॉर दिस अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ये अवार्ड की वजह से हमको इट इस अवार्ड ने क्रेडिबिलिटी
as well as visibility, not just in acknowledgement, for of course for which we are very extremely thankful. Thank you so much. But it means a lot for us. आज दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन का जो अवार्ड है तो बेस्ट आर्ट डायरेक्टर और बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर हमको मिला है, तो हम लोग बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन का, श्री आशफाक भोपिकर जी और उनकी पूरी टीम का हम लोग धन्यवाद देते हैं कि बैकस्टेज आर्टिस्ट इनको जो ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। ये मेरे ख्याल से वर्ल्ड का सबसे बेस्ट अवार्ड होगा जो दादा साहब फाल्के का अवार्ड हमको मिला है, क्योंकि हम दादा साहब फाल्के जी की प्रेरणा लेके इस इंडस्ट्री में आए थे और हर एक का एक सपना होता है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड हमको एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। आज इंडस्ट्री में 25-30 साल काम करने के बाद हमको ये अवार्ड मिला है तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, हम प्राउड फील करते हैं। वी आर द टेक्नीशियंस, क्योंकि पर्दे के आगे तो सभी काम करते हैं लेकिन पर्दे के पीछे काम करने वाले को सराहने वाला एकमात्र अवार्ड है दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड। तो मैं फिर से एक बार पूरी टीम का और अशोक भाई गोपीकर जी का, उनके टीम का, अतुल जी का और आप सारे मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमको अप्रिशिएट किया है और अवार्ड हमको दिलाया है। वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, वी लव यू। ये फोटो फोटो था क्या, फोटो चल बाबा फोटो गया ना दादा आप सब गया। मेरा देखो क्या इंडिया की 10 लैंग्वेज में ये डबिंग हो चुकी है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और इसी पर से मैं वापस JKDC न्यू जनरेशन भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये दरअसल मेरे बेटे की एडमिशन के लिए हम लोग गए थे, तब अलग अलग टाइप के जो पेरेंट्स थे वो लोग ये स्कूल में अच्छा नहीं, वो वाले स्कूल में ज़्यादा अच्छा है, इधर फीस कम है, इधर वर्नाकुलम मीडियम के लोग आते हैं, तो जो कंपैरिजन और कंपटीशन मैंने देखी उसमें से मुझे ख्याल आया कि ये कुछ ज़्यादा ही कंपैरिजन और कंपटीशन समाज में चल रही है, तो इसके ऊपर लोगों का ध्यान उजागर करना चाहिए कि दिस इज रॉन्ग, जिसमें कंपैरिजन और कंपटीशन के कारण बच्चों का फ्यूचर बिगड़ने ही पॉसिबल। हाँ, ये दूरदर्शन में 10 लैंग्वेज में डबिंग होके रिलीज होने जा रही है, ये पिक्चर को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार कहना चाहूंगी, थैंक यू सो मच दादा साहब फिल्म फाउंडेशन, जो मेरे काम को रिकग्नाइज किया गया और मुझे मेरी फिल्म बेवफा सनम के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। सो आपकी स्मृति सिन्हा की तरफ से थैंक यू सो मच। ऑफ कोर्स बहुत खुशी मिलती है एक एक्ट्रेस के लिए उसके काम की सराहना, बहुत बहुत उसको एक अलग एनर्जी देती है कि और अच्छा काम करे और अच्छे प्लेटफॉर्म पर नज़र आए और अच्छे काम की ऐसी शुरुआत और ऐसी खुशी मिलना बहुत बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। फिल्म इंडस्ट्री के सबसे सर्वोच्च अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड आज बहुत बड़े बड़े लोगों को मिल रहा है, उसमें से मेरा नाम भी शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस अवार्ड के लिए, बहुत खुशी हो रही है। मैं निकला वो गड्डी लेके रास्ते पर, वो सड़क में एक मोड़ आया,
मैं इच्छे दिल आज बहुत बड़ी खुशी हुई है मुझे दादा से आके पुरस्कार भी मिला है सबके लिए धन्यवाद और नाइस गुड थैंक यू बस मैं बहुत खुश हूँ अशोक शेखर साहब ने बुलाया मुझे। ये दादा साहब फाल्के का वो अवार्ड है जो सबसे पहले शुरू हुआ था और फेडरेशन के द्वारा, तो मुझे यहाँ आना ही था क्योंकि कई सालों के बाद या फिर से ये शुरू हो रहा है, तो मेरी बहुत सारी बधाई। ओके बहुत खुशी हो रही है, रियली थैंक द एंटायर टीम ऑफ आर्टिकल 370 स्पेशली द डायरेक्टर प्रोड्यूसर आदित्य धार सर द प्रोड्यूसर, उन्होंने मुझे कॉल करके पर्सनली कॉल करके बोला था कि ऐसा एक मूवी है, मुझे लगता है कि आपको ये करना पड़ेगा। आई बी हैप्पी इफ यू बी आवर राजेश्वरी स्वामीनाथन। बहुत खुशी हो रही है विद ऑल द इमेंस लव सपोर्ट दैट वी बीन गेटिंग सो फार। जब थिएटर में आई थी तब भी इतना सारा प्यार मिला, OTT पे रिलीज होने के बाद भी बहुत सारा प्यार मिला, तो रियली एटर्नली ग्रेटफुल टू द एंटायर टीम एंड थैंक यू सो मच। ईश्वर की कृपा, आप सबका प्यार और मेरे माता पिता का आशीर्वाद। थैंक यू सो मच। अर्चना आ जाओ। अवार्ड तो मुझे 11 अगस्त को मिल गया था जब गदर रिलीज हुई थी, बहुत प्यार मिला है एंड अभी अवार्ड्स मिल रहे तो खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है। या हाँ, अभी मेरा नाना पाटेकर सर के साथ एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी शूट हो चुका है एंड वो इसी साल रिलीज होने वाला है एंड मूवी बहुत अमेजिंग है, सो जरूर देखना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं यहाँ पे
ऑब्वियसली सबसे पहली बात और जरूरी बात ये है कि बहुत खुशी हो रही है कि ये हमको ऑनर दिया जा रहा है हमारे फादर ऑफ सिनेमा के जो दादा साहब फाल्के के नाम पे अवार्ड है, तो बहुत ही बड़ा ऑनर है। आई थिंक आई एम वेरी वेरी हम्बल और बहुत बहुत आपसे मैं थैंक यू बोलूँगी सबको जिन्होंने मुझे इसके लायक समझा। थैंक यू वेरी मच एंड आई विश ऑल द मेम्बर्स माई ग्रेटेस्ट रिगार्ड्स एंड ऑल द विनर्स बिग कंग्रेचुलेशन। कुछ गिर गया नीचे। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए एज एन एक्टर। जब आप काम करते हैं, आपके काम को अप्रिशिएशन मिलता है और अवार्ड्स मिलते हैं, तो ये बड़े गर्व की बात होती है और एक जिम्मेदारी भी आती है शोल्डर्स पे कि आगे और मेहनत करते रहें। अभी कागज़ 2 मेरी फिल्म रिलीज हुई है, जिसको आप लोगों से बहुत प्यार मिला है, ट्रेंड कर रही है अमेज़न प्राइम पे, जिसमें अनुपम सर मेरे साथ हैं, मेरे फादर का रोल प्ले कर रहे हैं और सतीश कौशिक सर भी इस फिल्म का पार्ट, नीना गुप्ता जी। और अभी इसके बाद द फैमिली मैन की शूट हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत जल्द। सो अभी यही पाइप है। आई देखिए, अगर आप जिसे आप बात करें कश्मीर फाइल्स की, तो वो सत्य घटनाओं पर आधारित थी और इसलिए हमारी फिल्म पर रील और रियल ट्रेंड हुआ, इसलिए लोगों को फिल्म पसंद आई। छोटी सी फिल्म थी, 8-10 करोड़ की फिल्म थी, 450 करोड़ जिसने कमाए, तो लोगों से प्यार मिला, लोगों को लगा कि सत्य है फिल्म पर और जो सत्य से आधारित फिल्म होगी उसे हमेशा प्यार मिलता ही रहेगा। अभी राइटर्स तो सच कहूँ तो अभी फिल्म की जितनी भी फिल्में चल रही हैं वो स्टोरीज के ऊपर चल रही हैं और अभी राइटर्स की बहुत डिमांड हो गई है, उनको अप्रिशिएशन भी मिल रहा है जैसा आपने कहा और उनके नाम उनके लोग सामने भी आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा अभी अहमियत अगर हमारी इंडस्ट्री में तो राइटर्स की। थैंक यू। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी हमारी हमेशा मीडिया जो है हमेशा किस तरीके की इतना समय देती, पहले तो आप सबको अवार्ड आप सबकी वजह से बनता है, आप इतना, और दादा साहब फाल्के का नाम इसकी वजह से, मतलब शत शत 100 जन्म भी लूं तो भी वो अपने दादा हैं और उनके छाया में आज पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में कर्म भूमि बदल गया,
तो ये नाम ही हमारे लिए सर्वोपरि है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत बधाइयां सबको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस यही कहना चाहूंगा कि चैलेंज दो, चैलेंज लो और कुछ ऐसा लिख के दे दो कि अभिनेता भी हिल जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई किसी का स्थान ले सकता है। और राइटर सर्वोपरि थे, सर्वोपरि है, सर्वोपरि रहेंगे। बहुत बड़ा उपलक्ष्य है और दादा साहब फाल्के नाम ही इतना बड़ा है, इतना भव्य है कि उसके साथ उसकी जो गरिमा है, उसकी जो प्रतिष्ठा है वो बहुत ही बड़ी है। और हमारे फादर ऑफ इंडियन सिनेमा है, उसके एक सृजन करता है, तो मुझे यहाँ पे शिरकत मिली है, मुझे यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। गाना तो गाने काफ़ी आ रहे हैं, अभी काफ़ी निकले भी हैं, सिंगल्स निकले हैं। अभी मेरा एक बहुत पुराना गाना जो 9 साल 10 साल पहले गाया था वो ट्रेंड हो रहा है इंस्टाग्राम पे, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है। गाने अभी और पाइपलाइन में हैं, वेब सीरीज के हैं, सिंगल्स हैं, उनके ऐसे फिल्म में भी हैं, तो चल रहा है मामला। आप लोगों की दुआ से और जल्दी और सब काम निकलेंगे। बहुत खुशी हो रही है, बहुत पहली बार मैं ये अवार्ड लेने के लिए आई हूँ, तो बहुत इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड, बहुत खुशी हो रही है एंड फॉर अ फिल्म विच इज़ रियली क्लोज टू ऑल ऑफ अस विच इज़ आर्टिकल 370। सो पहले तो मैं उनको बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ फॉर थिंकिंग दैट आई वॉज गुड इनफ एंड आई एम डिजर्विंग इनफ टू गेट दिस अवार्ड, सो थैंक यू सो मच, रियली ऑनर्ड, थैंक यू सो मच। ये आई वुड लाइक टू डेडिकेट दिस टू द होल टीम। आई थिंक इट्स अ फिल्म दैट हमें लगा कि ये सब ऑडियंस, इट हैड टू रीच द ऑडियंस समवे ऑर द अदर एंड फाइनली वो रीच हो गई एंड ऑडियंस को बहुत पसंद आया इवन आफ्टर इट केम आउट ऑन OTT ऑल्सो, तो वी वेरी हैप्पी। जी जी, आई थिंक राइटर्स, अगर राइटर्स नहीं है तो हम लोग नहीं है, अगर उनके विजन की वजह से हम लोग यहाँ पे हैं एंड इट्स अ टीम एफर्ट, तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू ऑल द राइटर्स एंड थैंक यू सो मच फॉर आपके विजन की वजह से वी आर हू वी आर एंड वी ट्राइंग टू ब्रिंग इट फॉरवर्ड, सो आई थिंक इट्स ऑल थैंक्स टू यू गाइस एज़ वेल। क्या पूछा जी, आपकी पहली
कोई भी पुरस्कार कोई भी अवार्ड जब किसी आर्टिस्ट को मिलता है तो उसकी हौसला अफजाई होती है, उसका हौसला बनता है कि आगे चल के और अच्छा काम करना है। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि दादा साहब फाल्के फिल्म फेडरेशन अवार्ड मुझे मिल रहा है, और जिस फिल्म के लिए मिल रहा है, जिस फिल्म का VFX इतना बढ़िया है, उसे भी आज नवाजा जा रहा है। आई थिंक आई एम हैप्पी। इतने सालों से जो प्यार मिल रहा है वो प्यार बना रहे, बस यही दुआ करता हूँ। और किसी भी आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऑडियंस का प्यार, आप लोगों का प्यार हमेशा बना रहे, और इसी से हम ज़्यादा मेहनत करते रहें ताकि अगली पिक्चर में और ज़्यादा प्यार आपसे मिले। थैंक यू सर।